बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये चेक करेंगे कि हमने सी प्लस प्लस में डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स स्टडी की भी हैं। तो बेसिकली वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये रिवाइज करना चाहते हैं कि हम वर्ड लूप यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है। लूप की एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए ये है कि जिस तरह आपके पास एक लाइन है जिसका आपके पास एक स्टार्ट है और एक एंड है। अब अगर इस लाइन के एंड को मैं मिला दूं इसके स्टार्ट से तो ये लूप बन गई। तो आप ये देखें कि शुरू में डायरेक्शन स्टार्ट से एंड पे गई, उसके बाद दोबारा आप वापस स्टार्ट पे पहुंच गए और दोबारा एंड की तरफ चल पड़े। तो इसका मतलब है कि जब एक काम बार बार रिपीटेडली हो रहा हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि एक लूप में ये काम हो रहा है, एक अगेन एंड अगेन लूप के थ्रू ये काम रिपीट हो रहा है। अब इसमें जो हम वर्ड देखते हैं वाइल लूप, वाइल तो वाइल का क्या मतलब है, वाई वी कॉल इट वाइल लूप। तो वाइल का अगर मैं स्ट्रेट अवे डिक्शनरी मीनिंग देखूँ तो डिक्शनरी मीनिंग में आप देख सकते हैं कि वाइल का मतलब है अ पीरियड ऑफ इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट लेंथ यूजुअली शॉर्ट मार्क बाय सम एक्शन और कंडीशन। अब देखें, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसी से ही आपको समझ आ जाएगी कि वाइल लूप का हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि हमने एक काम को कितनी देर के लिए रिपीट करना है। इसके बरक्स जब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ को 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 तक लेके जा रहे हैं, तो उसमें हमें 50 एंड लिमिट पता होती है। लेकिन वाइल लूप के केस में हमें एंड लिमिट पता नहीं होती। तो वाइल लूप के आगे मजीद हम देख सकते हैं कि दो टाइप्स हैं, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए एक अगर मैं एक क्विक सी एग्जांपल लिखूं तो उससे हमें समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ वाइल लूप की एग्जांपल, तो मेरे पास एक प्रोग्राम आ जाएगा मेन, उसके बाद उसमें मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया int a इज इक्वल टू 5 और नीचे मैंने यूज़ किया वाइल वाइल ए इज ग्रेटर देन 10 और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, ये इज इक्वल टू ए प्लस 1 और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सी आउट ए कर दिया। ये अब मेरे पास आगे एग्जाम्पल वाइल की, और यही अगर काम मैं करना चाहूँ यूजिंग डू वाइल लूप तो उस केस में मेरे पास क्या एग्जाम्पल आ सकती है। उस केस में मैं एक लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नई एग्जाम्पल बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेन int ए इज इक्वल टू 5 और डू ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 और सी आउट ए और इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हुई वाइल वाइल में हमने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन 10,
ए इज ग्रेटर देन 10, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दी। अब जब हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, पहला प्रोग्राम चलाते हैं और दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास प्रोग्राम 1 है, इसको मैंने लेबल कर दिया था प्रोग्राम 1 और इसको मैंने लेबल कर दिया था प्रोग्राम 2। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम 1 की मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। तो प्रोग्राम 1 की आउटपुट मेरे पास आएगी वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है कि इसमें आपके पास जो वैल्यू पड़ी है वो आपके पास 5 है। 5 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज़ फॉल्स, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। जबकि हम अगर डू वाइल की बात करें तो इस केस में डू ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए में 5 है तो ए में फाइनली 6 आगे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने सी आउट ए किया, यानी ए में अभी 6 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो चीज़ प्रिंट होगी वो 6 होगी। और उसके बाद नीचे कंडीशन है वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो ए में हमारे पास 6 है तो हम चेक करेंगे वाइल 6 इज़ ग्रेटर देन 10, 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, एवरी वन नोज, तो उस वजह से आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन एक काम बहरहाल हो चुका है, वो ये कि आपको ए की वैल्यू प्रिंट होके नज़र आ गई है। इसका मतलब हुआ कि इस केस में आपके पास जो है जो आउटपुट आई है इस केस में वो नो आउटपुट, और इस केस में जो आपके पास आउटपुट आई है वो है 6। तो फिर फर्क क्या हुआ? लिखने के लिहाज से फर्क ये है कि अगर एक आप व्हाइल लूप को फ्लिप कर दें, यानी कि इसको आप उलट कर दें, उलट से मुराद है कि वाइल और उसके आगे टेस्ट एक्सप्रेशन को आप नीचे ले जाएं और आगे एक सेमी कॉलन लगा दें और इसी जगह डू लगा दें, तो ये डू वाइल लूप बन जाती है। और एग्जीक्यूशन के लिहाज से फ़र्क ये है कि वाइल लूप में सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जबकि डू वाइल लूप में एटलीस्ट एक बार, यानी कि कम से कम एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जाके नीचे कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जिट हो जाएगी। लेकिन चूंकि एक बार लूप एग्जीक्यूट हुई है तो फिर हमें आउटपुट नज़र आ जाएगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप का। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम एटलीस्ट एक बार लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और क्यों हम फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप के केस में हमें नहीं पता लगता। तो इस केस में फ़ायदा ये है, हम एक बार एग्जीक्यूट इसलिए करवाना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र को कोई मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो कोई यूज़र को मेन्यू दिखाने के लिए अगर आप इस वाइल लूप में वो मेन्यू सी आउट के थ्रू लिखेंगे, एक मेन्यू आप बनाएंगे सी आउट यूज़ करके, तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो मेन्यू एक बार भी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेन्यू आपने इस डू वाइल लूप में यूज़ किया हुआ है तो एटलीस्ट एक बार यूज़र को कुछ ना कुछ नज़र आएगा, एक मेन्यू ऑन स्क्रीन नज़र आएगा। उसके बाद आप यूज़र से जब इनपुट आप ले लें मेन्यू की, और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इनपुट देता है जो कि इस कंडीशन को वायलेट करिए तो लूप एग्जिट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट और इन समरी फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये है कि वाइल लूप की बॉडी अगर कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि डू वाइल लूप में बॉडी एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप ऑन वॉचिंग मोर वीडियोज़ ऑन www.onspot.pk।